अभी हमने बाह्य कारकों का अध्ययन किया है, बाह्य जनित जो कारक हैं, इसमें अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपक्षय। मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया, स्टैटिक है, अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय में चट्टाने स्वयं क्यों टूट रही है, तो उसके पीछे में ऐसी कुछ बातें होती है, कुछ ऐसे प्राकृतिक तथ्य होते हैं जो अपक्षय में सहायक होते हैं। इन तथ्यों में सूर्य का प्रकाश, वर्षण और तुषार, ये तीन बातें मुख्य रूप से कार्य करती है। लेकिन इन तीन बातों के अलावा गुरुत्वाकर्षण ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो अपक्षय के लिए सक्रिय होता है। अपक्षय में ये जो मैंने तीन बातें बताई, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी पृथ्वी की जो संपूर्ण स्थिति है, सब जगह अपक्षय एक जैसा नहीं होता, बल्कि जहाँ पर अधिक तापमान होता है या जहाँ पर वर्षा की अधिकता होती है, तो उन क्षेत्रों में अपक्षय की मात्रा बहुत अधिक होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ताप कटिबंधों के आधार पर हमने पृथ्वी को तीन भागों में बांटा है, तो जो सर्वाधिक अपक्षय का क्षेत्र, वैसे तो उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध में होता है। शीत कटिबंध में अपक्षय की मात्रा बहुत कम होती है। अपक्षय में चट्टाने का जो स्वयं टूटना फूटना होता है, इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, और तीसरी जो विधि है इसको हम जैविक अपक्षय कहते हैं। भौतिक अपक्षय क्या है? भौतिक अपक्षय में जो मैंने अभी कारक बताया कि सूर्य की किरणें और वर्षा का जल, ये दोनों मिलकर के या अलग अलग रूप में ये चट्टानों को तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहाँ पर सूर्य की किरणें दिन में बहुत तेज पड़ती है, गर्मी बहुत अधिक होती है, और गर्मी के प्रभाव से चट्टाने क्या होती, फैलने लगती है। रात में तापमान एकदम कम हो जाता है, हिमांक से नीचे तापमान चला जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि चट्टानों का दिन में फैलना और रात में सिकुड़ना, ये क्रम सतत जारी रहता है। और इस सतत क्रम के कारण चट्टानों का जो संगठन होता है, यह क्रमशः ढीला पड़ जाता है और चट्टाने अपने स्थान पर बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती है। इसे चट्टानों का विघटन कहते हैं। कभी ऐसा होता है कि चट्टाने जब फैलती है और उस क्षेत्र में यदि वर्षा की बूंदें पड़ गई, तो उन वर्षा की बूंदों से चट्टानों में दरार आने लगती है, चटकन आने लगती है, और इस तब तो चट्टानों में जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ी, चट्टाने चटकने लगी या दरार आने लगी, तो उसके अंदर पानी समाने लगता है, और इससे ये जो चट्टान है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। यहाँ पर पानी का और सूर्य दोनों का संयोग है। इसी प्रकार से यदि किसी क्षेत्र में चट्टानों में दरारें कई कारणों से आ सकती है, चट्टानें टूट जाती हैं, और उसमें यदि वर्षा का जल चला जाता है, तो वह भी चट्टानों को तोड़ने में सहायक होता है। तो ये सब भौतिक प्रक्रिया है।
और इस प्रक्रिया में चट्टानों का जो टूटना फूटना होता है इसे हम वियोजन कहते हैं। चट्टानों का बड़े टुकड़ों में या छोटे टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया यह निरंतर जारी रहती है। दूसरा जो अपक्षय का प्रकार है यह है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? जब चट्टाने पर भौतिक क्रिया के साथ रासायनिक क्रिया भी होने लगती है या केवल रासायनिक क्रिया होती है, जैसे जल। आपको पता है बच्चों कि जल स्वयं एक रसायन है और यह जब चट्टानों के भीतर जाता है तब यह रासायनिक क्रिया करता है। जल के साथ यदि ऑक्सीजन गैस मिल जाती है और ये चट्टानों में जाती है तो ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में चट्टानों के जो लवण होते हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण टूट जाते हैं और यदि चट्टानों में लोहे की मात्रा होती है तो लोहा ऑक्सीडेशन के प्रभाव से जंग लगकर टूटने लगता है, यानी अंदर ही अंदर चट्टाने जो है यह क्रमशः टूटने लगती है। इसे जब रासायनिक प्रक्रिया होती है और चट्टाने टूटने लगती है तो इसे चट्टानों का वियोजन डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेशन की प्रक्रिया है, जब पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है और यह जब चट्टानों में प्रवेश करती है तो चट्टानों में यह चट्टानों को घोलने की प्रक्रिया करती है। चट्टानों के ऐसे तत्व जो घुलनशील होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण घुलने लगते हैं और इस प्रकार से चट्टानें भीतर ही भीतर टूटने लगती है। तो ये भी एक कार्बोनेशन की प्रक्रिया हुई। इसमें जो चूने के अंश होते हैं ये घुलने लगते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया होती है ये है सिलिका का पृथक्करण। पानी के साथ जब पानी जब चट्टानों के भीतर जाता है तो सिलिका जो होता है यह अलग अलग टूटने लगता है। चट्टानों में सिलिका युक्त जो तत्व होते हैं ये टूटने लगते हैं और सिलिका के टूटने से चट्टान भीतर से असंगठित होकर के क्रमशः टूटने लगती है। फिर चौथी प्रक्रिया होती है हाइड्रेशन की प्रक्रिया। हाइड्रेशन की प्रक्रिया में भी चट्टाने जो है यह भीतर ही भीतर इसमें चट्टानों के कई लवण टूटने लगते हैं और ये चार प्रक्रिया जो चट्टानों में पानी के साथ चट्टानों में पानी घुस जाता है और उसके साथ मिल करके जो टूटने की प्रक्रिया होती है इसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में चट्टानों का वियोजन होता है। भौतिक में क्या बताया था, विघटन, और रासायनिक अपक्षय में वियोजन होता है। तीसरा जो अपक्षय का प्रकार है यह है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय के अंतर्गत मानव महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन इसके अलावा कुछ प्राकृतिक तथ्य जैसे वनस्पति और जीव जंतु ये सब मिल करके अपक्षय करते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे जहाँ पर वनस्पति उगाती है ये वनस्पति छोटी घास फूस झाड़ी या वृक्षों के रूप में होती है और इन सब वनस्पतियों की जड़ें होती है और ये जड़ें जब मिट्टी के अंदर तक जाती है या चट्टानों पर भी ये वनस्पतियाँ उगाती है तो इनकी जड़ें जैसे ही चट्टानों के भीतर जाती है तो चट्टानों से ये अपने पोषण के लिए खनिज तत्व या पानी को अवशोषित करने लगती है और उसके कारण चट्टानों में क्रमशः ढीलापन आने लगता है और चट्टाने टूटने लगती है। फिर दूसरा जो तथ्य है ये है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। कई जीव जंतु जैसे आपने देखा है चूहा बिल बना लेता है,
सांप बिल बना लेता है। इसी प्रकार से कुछ जानवर जैसे शेर है, ये गुफा का निर्माण करता है। ये सभी चट्टानों को तोड़ने में सहयोगी होते हैं और उसके कारण चट्टानें टूटने लगती है और फिर ये धीरे धीरे असंगठित होने लगती है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये है मानव। वर्तमान में हम देखते हैं कि मानव ने वैज्ञानिक उन्नति बहुत अधिक कर ली है और इसके लिए वह गहरी सुरंगें खोदता है आवागमन के लिए या खाने खोदता है और कई प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करता है। तो मानव पेड़ों को काट करके उस क्षेत्र में आवागमन के साधन या आवासीय क्षेत्रों को विकसित कर रहा है। वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति का भरपूर उपयोग कर रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, वह उन चट्टानों को तोड़ तोड़ करके या तो घर बना रहा है या रास्ते बना रहा है या वृहत जलाशयों का निर्माण कर रहा है। ऐसे वो निरंतर कुछ न कुछ क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो है चट्टाने टूटने लगती है और इससे हम मानव जनित या जैविक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय के कारण वर्तमान में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है और इन समस्याओं के कारण जो पर्यावरण का अवनयन हो रहा है इससे आप सब परिचित हैं ही। अपक्षय के कुछ फायदे भी है, केवल चट्टाने टूट नहीं रही है बल्कि चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है और यह जो मिट्टी है ये हमारे जीवन का एक आधार हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही कृषि कार्य संपन्न होता है और हमें भोजन की प्राप्ति होती है या इसी मिट्टी पे वनस्पति विकसित होती है। तो ये जो अपक्षय है ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, अपक्षय जब होता है किसी क्षेत्र में चट्टाने स्वयं टूटती है और वहीं पर वह जमा हो जाती है तो ये अपरदन के लिए भी कुछ मटेरियल दे रही है। अपरदन वायु अपरदन हो रहा है, नदी अपरदन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पदार्थ इन कारकों के माध्यम से वृहत क्षेत्र में इनका परिवहन होता है और कहीं अन्यत्र निक्षेपण भी होता है। तो इस प्रकार से अपक्षय यद्यपि अपने आप में स्थैतिक है, हम उसको स्थैतिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी जगह पर भी चट्टानों का टूट फूट कर रही है और वहीं पर चट्टान चूर्ण बन जाते हैं। ये चट्टान चूर्ण जो होते हैं, पहले एक लेयर में अपक्षय होता है, फिर उसके बाद जब वो लेयर नीचे फिसल करके गिर जाती है तो दूसरे लेयर में अपक्षय होता है। इस प्रकार क्रमशः नीचे की ओर अपक्षय होता है और ये अपक्षय हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। स्थैतिक इसलिए है कि परिवहन अपक्षय की क्रिया स्वयं नहीं करती, अन्य क्रियाएं जैसे अभी बताया वायु नदी ये परिवहन में सहयोग कर रही है, लेकिन अपक्षय जो है यह भौतिक या रासायनिक क्रिया जो स्वयमेव होती है। तो अपक्षय में इतना ही पर्याप्त है बच्चों। दूसरा प्रकार जो है यह है मास मूवमेंट, द्रव्यमान संचलन या वृहत संचलन इसे कहते हैं। द्रव्यमान संचलन का तात्पर्य है कि अधिक मात्रा में जो मलबा होता है वह उसका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकना। इसमें सरकने में मुख्य रूप से तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही कार्य करती है, उसके अलावा ढाल यदि उस क्षेत्र में होता है तो ये ढाल भी दूसरी प्रमुख दशा होती है और उसके कारण बड़ी मात्रा में जो पदार्थ है, जो टूटे फूटे पदार्थ है, जैसे अपक्षय से अभी बहुत सारे पदार्थ टूट करके जो वहीं जमा हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ढाल जब प्राप्त होता है तो ढाल के कारण ये पदार्थ
तेजी से नीचे की ओर सरकने लगते हैं। ये भी कभी अचानक होता है और कभी धीरे धीरे इस गति से होता है। इस प्रकार का जो संचलन होता है, सामान्य रूप से यह क्षैतिजिक संचलन ही है, क्योंकि धरातल के ऊपर ही यह क्रियाशील होता है। तो द्रव्यमान संचलन कई प्रकार के होते हैं। इस प्रकारों को यदि हम देखें तो सबसे पहला है पात या फॉल। पात या फॉल जो होता है, यानी पदार्थों का अवपतन होता है, नीचे की ओर आता है। इसमें तीन प्रकार के पात होते हैं। एक तो शैल पात, चट्टानों का गिरना। दूसरा जो है मलबा पात। मलबा पात जो छोटे बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानों के साथ समाहित होते हैं, मिट्टी भी होती है, और ये पूरी एक साथ सरक कर नीचे की ओर आती है। और तीसरा जो है यह है भूमिपात। भूमि का तात्पर्य बड़े बड़े शिलाखंडों से, शैलखंडों से है। ये बड़ी की बड़ी चट्टान जो है एक साथ वृहत चट्टाने नीचे की ओर लुढ़क कर चली आती है, तो इसे भूमिपात कहते हैं। तो ये पात के तीन प्रकार है। दूसरा जो वृहत संचलन का प्रकार है, इसको हम कहते हैं स्खलन या स्लाइड। स्खलन या स्लाइड जो है, ये दो प्रकार से स्खलन होता है। एक तो अवपतन होता है, स्लंप अवपतन होता है। अवपतन में भी यही तीन प्रकार है, शैल का अवपतन, मलवा का अवपतन और भूमि का अवपतन होता है। दूसरा हम इसको स्खलन कहते हैं। स्खलन में धीरे धीरे पदार्थ जो है भरभरा के पहले धीरे धीरे गिरते और फिर तेजी से गिरने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो स्लाइडिंग होती है, आपने कभी दूरदर्शन देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे, टीवी में इस प्रकार की चीज़ें कहीं पर दिखाता है ना, कि प्रायः हमारे देश में हिमालय में ऐसे स्लाइडिंग्स जो होते हैं ये हमेशा दिखाए जाते हैं। और इसको आप समयानुसार देखते रहते हैं, क्योंकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ही इस प्रकार की क्रियाएं सर्वाधिक होती है। कई बार आप न्यूज़ सुनते हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो गई और स्लाइडिंग के कारण पूरी की पूरी सड़क जाम हो गई, कुछ लोग दब गए, उसमें दब के मर जाते हैं, या कभी कभी उसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर जो है ये चट्टानों को काट कर मार्ग बनाया जाता है। तो ये जो मार्ग है, जब लैंडस्लाइडिंग ऊपर से हो रही है तो इस मार्ग पे आकर के, चूंकि यहाँ पर समतल भूमि होती तो मलबा यहाँ आकर जम जाता है, और उसके कारण क्या होता है, पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिर इस मलबे को सरका करके फिर से आवागमन जारी किया जाता है। तो ये स्लाइडिंग का प्रकार होता है। तीसरा जो प्रकार है, इसे कहते हैं लुढ़कना। मलबा लुढ़क करके या शैल पिंड जो है लुढ़कते लुढ़कते आगे की ओर आते हैं, धीरे धीरे लुढ़कते हैं, कभी तेजी से लुढ़कते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं। तो यह भी एक प्रकार होता है। चौथा जो प्रकार है, इसे हम कहते हैं वाह या फ्लो, बहना, फ्लो होना, वाहित होना। तो मलबे का वाह होना या मलबे का बहना, या फिर शैलों का क्रमशः बहना, या बड़ी बड़ी चट्टानों का अपने स्थान से बहते हुए, धीरे धीरे बहते हुए आगे की ओर निकल जाना, इसे फ्लो या वाहित मलबा कहते हैं। अगला जो प्रकार है, ये है पार्श्विक प्रसार। इसमें लेटरल जो स्प्रेड होता है, पार्श्विक रूप से जब मलबा बहने लगता है धरातल से, सतह से चिपक करके, वह क्षैतिजिक अवस्था में आगे की ओर बहता चला जाता है, तो इसे हम पार्श्विक प्रसार कहते हैं। और एक और प्रकार इसका होता है, इसको कहते हैं सर्पण। सर्पण या क्रीपिंग कहते, क्रीप होना। तो जब दलदल युक्त या मिट्टी में जब पानी मिल जाता है और पानी के साथ मिट्टी जब घुल जाती है और ये बहने लगती है, तो इसको सर्पण कहते हैं। इससे पूरा ऐसा लगता है कि पूरा दलदल जो है वो एक साथ बहते हुए चला जा रहा है। आपने
पिछली बार या वैसे तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन केदारनाथ में जो बहुत अधिक बादल फटने के कारण उस क्षेत्र की जो मिट्टी थी, जो संभवतया अपक्षय के कारण या अन्य निर्माण कार्यों के कारण वहाँ जमा थी, वो पूरी की पूरी मिट्टी एक साथ बादल फटने के साथ पानी के साथ बहती हुई चली आई थी, और उस मिट्टी में बहुत से लोग जो है वो दब करके मर गए थे, लापता हो गए थे बहुत लोग। तो ये सभी जो उदाहरण हैं ये मास मोमेंट के उदाहरण हैं।